सो हे यो गाइस, नमस्कार है एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सो अभी एक्चुअली ये स्टैंड मेरा दूसरा है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा स्टैंड है। तो उसका वजह से पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट व्लॉग तो बनाना है, मुझे स्टैंड पकड़ना होगा। एक्चुअली अभी आपको एक अपडेट देना था कि जो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था कि मैं एक एपिसोड बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी एक दुखी खबर है। एक्चुअली ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं स्टैंड को सेटअप करके फिर बात करेंगे आपसे। दिखाई दे रहे? बैठ जाता यार, ये फ़ोन का नहीं मालूम क्या गड़बड़ी है। मैंने इसके पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, आधे में 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट हो गया। तो अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके रखे पता चलने के लिए। सो बात कुछ ऐसी है कि मैंने जैसे आपको बोला था कि एक ब्लॉग मीन्स एक एपिसोड बनाने जा रहा हूँ मैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उसमें एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे कि मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ट्रेन व्लॉग, देन मेट्रो व्लॉग, देन फ्लाइट व्लॉग, देन फाइनली टू द डेस्टिनी। सो एक्चुअली मैंने अंडमान जाने का व्लॉग बनाया था, सोचा था कि अंडमान जाने का एपिसोड बनाऊंगा सोचा था। सो उसमें एक गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ से चेन्नई तक तो मैं ट्रेन में चले जाऊँगा, उसमें कोई RT-PCR टेस्ट सब तो ज़रूरत नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए RT-PCR नेगेटिव मांगते हैं, जो बाई चांस मैं वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया तो ना ही मैं केरला आ पाऊँगा ना ही मैं अंडमान जा पाऊँगा, चेन्नई में रुकना पड़ेगा 1-7 दिन। सो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता। सो इसी कारण मैंने कल क्या हुआ था, कल मैंने रेल का भी टिकट कर दिया था तो उसे भी कैंसिल करना पड़ा। उसमें से मेरा 150 रुपीज़ कट ले लिया कैंसिलेशन में। कल रात को मैं सोच रहा था क्यों मैंने रेलवे टिकट कैंसिल किया, क्योंकि अंडमान जाने का बहुत दिन कर रहे हैं यार, 1 साल हो गया मुझे वहाँ से यहाँ आकर, डैडी मम्मी को मिलकर और अंडमान का हवा पाकर। रहा नहीं जाता, बहुत धूप है यार सच में, पर क्या करें, वीडियो तो बनाना है, कंटेंट तो देना है। सो अभी का प्लान ये है कि अभी मैंने डैडी को बोलना ही पड़ा, मैंने सोचा था कि डैडी को नहीं बोलूँगा, सरप्राइज़ करूँगा वहाँ जाकर, बट एट लास्ट डैडी को बोलना पड़ा कि मैं अंडमान आना चाहता हूँ, तो फ्लाइट टिकट करके दे दीजिए। अभी क्या है, अभी तो मुझे पास नो कैश, आप लोग सपोर्ट कीजिए, कैश आ जाएगा। तो अभी डैडी को बोला, डैडी बोलते ठीक है देखते हैं, तुम आना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, ऑनलाइन क्लास है तो अभी 1 हफ्ते के लिए आ सकते हो, तो देखते। डैडी बोला तो बस अभी एक चांस यही है कि डैड टिकट करके दे दे और मेरा यहाँ में मैं RT-PCR ले लूँगा, नेगेटिव आ जाए बस। इसके बाद तो जो एपिसोड होगा आपको आने वाला 5 से 6 वीडियो सब अंडमान का ही एपिसोड होगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप दुआ कीजिए कि टिकट हो जाए मेरा, इस गरीब का कुछ भला हो जाए। सो इतना ही था और आएंगे, मिलेंगे ऑन है, चलो चले।